ये कहना बिल्कुल गलत है, पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था। हमने पुलिस की तरफ से हम लोगों ने तो टेयर गैस एंटी राइट गन का जो ये इंसिडेंट हुआ, मैं फैक्ट्स पे बात करना चाहूंगा और नंबर्स। कितने व्हीकल्स आपने कहा कि कुछ व्हीकल्स में, व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ, क्या व्हीकल्स हैं, कैजुअलिटीज कितनी हुई, क्या नाम है उनके? और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस की तरफ से फायरिंग हुई, पुलिस की तरफ से बुलेट्स का इस्तेमाल, लाइव बुलेट्स जिसको हम गोली कहते हैं, हुआ या नहीं? देखिए, हम पुलिस के स्तर पर वहां पे हम केवल टेयर गैस प्लस एंटी राइट गन में भी हम लोग का एक आवाज आती है। एंटी राइट गन मतलब प्लास्टिक पैलेट्स और रबर बुलेट, ये सब चलाते समय हम लोग को कार्टिज लगा था, उसकी आवाज भी ओरिजिनल गोली की तरफ आवाज आती है। वो जो प्लास्टिक पैलेट चलाता है एंटी राइट गन में, उसमें जो हमारा कार्टिज होते हैं, उससे वो कार्टिज में क्या होता है, वो भी आवाज एकदम ओरिजिनल गोली की तरफ आवाज है। लोग ये सुना ये पुलिस की गोली से चल रहा है, वो प्लास्टिक पैलेट्स है, उस पर भी हम लोगों ने तितर बितर कराया। ठीक है, हम ये सब तितर बितर करवा देता। और दूसरा आपका सवाल है गाड़ियाँ कितना चली, वो मस्जिद के पीछे दो फोर व्हीलर एक मोटरसाइकिल चली, और यहाँ पे नकासा थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल चली, वहाँ दो तीन गाड़ी तोड़ फोड़ हुई, ये टोटल गाड़ी के ही हुआ। और कैजुअल्टी है टोटली तीन लोग मृत्यु होता, एक का नाम तो बिलाल, दूसरा का नाम नईम और एक का नाम कैफ। कल रात हुआ था उसका जब दफन हो गया। चौथा का एक हुआ है नाम आर्यन, उनके भी कल उनके भी किसर की चोट लगी, उनके भी टीम में इलाज हुआ था, इलाज के दौरान कल उनका भी मृत्यु हो गया था। आज उसका भी पीएम हो रही है, उसके पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चले इन लोगों को सबको पीएम रिपोर्ट में किस तरह के मृत्यु का कारण है, उन्होंने कुछ लिखा है उसका हमने पूरी देखी नहीं, उसमें कुछ फायराम इंजुरी दिखा रहा है, वो किस तरह का फायराम इंजुरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कल सुबह से घटनाक्रम हुआ, दोपहर तक आपने इसको काबू किया, उसके बाद कुछ लोग अरेस्ट भी किए गए हैं, कुछ आइडेंटिफाई भी किए गए हैं, तो कुल कितनी एफआईआर अभी तक इसमें हुई है, कितने लोग आपने अरेस्ट किए हैं, कितने डिटेन किए हैं, और टोटल जो, चूंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं पुलिस जो है विजुअल्स के माध्यम से या और तरीकों से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है करती है, तो कुल कितने लोग आइडेंटिफाइड अभी तक हुए? अब वर्तमान में अब तक 20 लोग का हम हिरासत में लिए है, उनका सबको वेरिफिकेशन करके जो जो आदमी वीडियो से उसका उनका हम लोग अरेस्टिंग दिखाएंगे और उनको पूछताछ हो रही है, और ये 20 लोग के आसपास है। और एफआईआर कितनी हुई है सर? एफआईआर 7 हो चुके हैं, 7 में विभिन्न तरह का रिपोर्टिंग है, पुलिस के काम पर वादा डालना है, 144 को उल्लंघन करना है, और इस और जो अवैध असलों में फायरिंग करना है, पुलिस के ऊपर फायरिंग करना है, ये सब चीज धारा में बीएनएस में एफआईआर दर्ज किया उन्होंने, और 7CLA भी लगी। अभी हम कोतवाली से आ रहे हैं, वहाँ जो मस्जिद के सदर हैं जफर साहब, उनको हिरासत में रखा हुआ है, उनको वो हिरासत में है, उनको अरेस्ट किया गया है किसी मामले में? एक्चुअली उन्होंने कुछ एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बारे में उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरह का स्टेटमेंट, आपने कोई रूमर फैलाना वाला हो और रूमर फैलाना वाला स्टेटमेंट हो और ऐसे लोग को भड़काने वाला स्टेटमेंट क्या है, वो किस तरह का स्टेटमेंट है, उसकी वेरीफाई करके उनको बुलाया, बात कर रहा हूँ। मतलब अभी हिरासत में या डिटेंशन? जैसे उनसे बुलाया अपील कर रहा, बात उनसे बात लगातार कल भी उन्होंने अपील, बहुत लोग अपील किया, उन्होंने वेरीफाई किया, उन्होंने हमारा साथ सहयोगी है, अब उस तरह उनका कोई स्टेटमेंट जैसे वीडियो वायरल हुआ, ये स्टेटमेंट किस तरह का, वो सच्चे झूठ है, उसको वेरीफाई करने के लिए भी आपने कह रहा है कि वो आपको लोग का सच्चाई बताओ, वो वहाँ सर्वेक्षण किया हुआ, वो किसी स्टेटमेंट आपने भड़का हुआ स्टेटमेंट देंगे तो बाद में लोग के घर पे उस तरह का उल्टा चले जाएगी, इसलिए उनका बुलाया, बातचीत कर रहा हूँ। बस सर, मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा हूँ, आपने अभी कहा कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली? एग्जैक्टली, हमने पुलिस की तरफ से हम लोगों ने तो टेयर गैस एंटी राइट गन का। मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का आर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे, मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है, मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए, कुछ लोग
यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को, लिहाजा मेरी गुजारिश है अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। जी खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। पुलिस का तो ये मानना कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पर मौजूद था, पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई।